बताया कि ये चार्जर चालू है और चार्जर वास्तव में चालू है, लेकिन आपको ड्राइवर जो फोन कर रहे थे कि ड्राइवर इसके दो पिन बाहर साइड अलग रहे, यानी मतलब आउटपुट इसके चार पिन का है और इनपुट दो पिन का है, तो इसमें ड्राइवर कैसे लगाएं? तो इसको जुगाड़ हम अभी करके दिखा रहे हैं। ये दो ड्राइवर हैं, एक जूम चार्जर का है। अब एक जूम चार्जर का ड्राइवर को इस चार्जर में लगाना है। अब है जो ये चार्जर या तो ये ड्राइवर से मैच कर गया तो चल जाएगा, और नहीं तो ये तुरंत मॉस्फेट उड़ जाएगा। तो मैं इसे सीरीज में लगाता हूँ और उड़ने की प्रतीक्षा करेंगे। देखो ये लगा दिया, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज ये एक्जूम का न्यू मॉडल आया है रिपेयरिंग के लिए, दिखाओ। ये देखो एक्जूम का है और 65 वोल्ट 18 एम्पियर का चार्जर है। इसे क्या फॉल्ट है इसको अभी रिपेयर करेंगे, तो मैं इसको लगाकर आपको बताता हूँ क्या फॉल्ट है। मैंने बैटरी को जोड़ दिया और ऑन भी हो गया, तो फॉल्ट क्या है? फॉल्ट क्या है? फॉल्ट पता नहीं क्या है, तो अब इसको एम्पियर मीटर लगाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रिपेयर होने के लिए आया, किस कारण से है उसे देखना है। ये तो चार्जर चालू है, तो किस लिए आया? ये चार्जर ओके है, चलो छोड़ो, ये चार्जर चालू है। फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि काम कैसे करता है। ये रिपेयरिंग के लिए आया था, लेकिन अभी देखने से ओके चल गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी से शायद मैंने मंगाया था, कोई कह रहा था कि मुझे 18 एम्पियर न्यू मॉडल का, मुझे समझ में नहीं आ रहा सर उसको दिखे, शायद इसलिए अगर भेज दिया होगा, तो उसे हम देखते हैं कि कैसा कंडीशन है। पीछे का ढक्कन खुलना है, इस तरह से काम करता है। और दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको सीखने के लिए आना है तो यहाँ सीख सकते हैं। इसके रिपेयरिंग जो रिपेयरिंग होता है, रिपेयरिंग करके बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉल्ट बता देंगे। ये फॉल्ट जिनको नॉलेज नहीं है ना, शायद उसने दिया होगा, क्योंकि मुझे दो तीन बंदे कह रहे थे कि मुझे इसके बारे में बताइए, तो ये उसी ने शायद भेजा है। तो ये हमने निकाल दी, और ये जो है एक्जूम चार्जर का कंडीशन देख लो। ये अलग से जो लगाया है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, ये 12 वोल्ट का सप्लाई मेरे से अलग से खरीद सकते हैं यहाँ पे लगाने के लिए। इसका ट्रांसफार्मर भी अपने पास है, और बाकी ये जो आईसी है, प्रोग्रामिंग आईसी सेम है, ये कुछ भी अंतर नहीं है। और इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ये रिले पहले भी आता था, ये रिले अभी भी है और पहले भी था। अगर ये नहीं रखना चाहते तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये 12 वोल्ट का जो सर्किट, जिसको जिसको लगाने में दिक्कत हो रही है या रिपेयर करने में दिक्कत हो रही है, आज सुबह फ़ोन किए कि सर ये जो 12 वोल्ट का सप्लाई है इसे कैसे ठीक करें, तो अगर समझ में नहीं आता है तो एक डायोड और एक रेजिस्टेंस 12 वोल्ट वाली, वो दोनों लेकर 48 वोल्ट में डाल के 12 वोल्ट डायरेक्ट बनाकर इसे आप दे सकते हैं, इसी जगह पर लगा कर। एकदम आसान है। हाँ, एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगाकर ऐसे 12 वोल्ट बना सकते हैं। और मैं पीछे दिखा दूँ, तो पीछे में देखो, आप पहले जो देखते थे कि इधर से एसी जो लगाते थे, ये एसी इधर से चलते हुए ये दोनों पिन पे, ये चार पिन का डायोड है, इस पे दो आ गया एसी और ये डीसी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे रिले है, अगर रिले को ऑन करने में आपको दिक्कत हो रही है तो रिले को डायरेक्ट शॉर्ट कर दो, मतलब इसके पिन पे जो एसी आएगा इसको यहाँ से जोड़ दो, तो ये रिले वो चला गया, बाईपास हो गया ये, तो इधर से ये इसमें एसी आ जाएगा बिना रिले के, अब ये सही से काम करेगा।
अगर रिले में चलाने में आपको दिक्कत हो रही है तो। और यहाँ पे जो ये माइनस बना डायोड से और ये प्लस जो बना, ये दोनों मॉस्फेट में सेम पहले वाला कंडीशन से जा रहा है, और ये चालू कंडीशन भी है, चार्जर चालू है बिल्कुल। और ये जो ट्रांसफार्मर है इधर से सेम कंडीशन है, यहाँ पे पहले तीन एक साथ नहीं था, दो एक साथ था और ये दो एक साथ था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, तीन एक साथ है, तीन एक साथ है। ये वाली एक तरफ तो मॉस्फेट से आ रहा है, एक तरफ में ये शायद पीएफ होगा, वो मैं देख लेता हूँ। ये पीएफ है, ये पीएफ है बड़ी वाली, है ना। और ये पीएफ है जो कहाँ जुड़ी है, ये जुड़ी है वो 300 वोल्ट में, मतलब यहाँ से लेकर ये 150 वोल्ट में, जो दो कैपेसिटर का जो बीच वाला पिन है, ये वाली पिन इस पीएफ यहाँ पे आया, और यहाँ से एक पीएफ लगाकर। हेलो, हाँ जी, तो अभी इधर में तो आपने देख लिए कि डायरेक्ट जो मॉस्फेट से आउटपुट किया वो वोल्टेज ये आएगी, और इधर से जो है एक पीएफ लगाकर 150 वोल्ट में दिया, पहले भी ऐसे ही था, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो मॉस्फेट को ऑन ऑफ करने के लिए ना, ये जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर कौन सा वो दिखाता है, यहाँ पे दो पिन, इधर दो पिन, इधर दो पिन, इधर दो पिन, और चार एक साइड, चार एक साइड, ये कैसा है, ऐसा है ड्राइवर, ये ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर अगर आपको यूज करना है, ये ड्राइवर लगाना है और नहीं चल पा रहा है, तो इसका भी दूसरा तरीका है कि आपके पास जो पुराना ड्राइवर था, वो ड्राइवर को आपको मतलब दो ड्राइवर लगाना है, तो उसके लिए सीरीज में करके आपको लगाना पड़ेगा कि एक मैंने इधर तार लगाए, एक इधर लगाए, दो उसके क्या बोलते हैं, दो ड्राइवर से, और उसका आउटपुट अलग अलग पिन से निकाल सकते हैं। ये मैं इन करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन करके आपको मैं बताया कि इधर जो है दो आउटपुट, दो दो आउटपुट है, मतलब दोनों मॉस्फेट के अलग अलग आउटपुट है, लेकिन प्राइमरी में एक ही है। तो ये ड्राइवर मैं आपको बहुत जल्द देऊंगा आपको, और इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ जो मैंने अभी यूज करके दिखाऊंगा, कि आपके पास पुराने अगर ड्राइवर है तो उससे भी ये चलाया जा सकता है, उसको अभी मैं दिखाता हूँ। और इसको चालू करने के लिए पीछे जो ट्रांजिस्टर लगे होते थे 337 327, ये वाली जो है ये लगी हुई है, और ये कौन सा नंबर है मुझे देखना है, क्योंकि मैं भी इसमें देख रहा हूँ, मुझे ये देखना पड़ेगा, 337 है और 327 है, 337 327। तो ये वही ट्रांजिस्टर है जो पहले यूज कर रहे थे, वही पीएफ है जो पहले यूज कर रहे थे, अलग कुछ भी नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ड्राइवर पे आपको कंफ्यूजन रहेगा, और क्या कन्फ्यूजन है वो देख लेते हैं। तो ड्राइवर का कन्फ्यूजन अभी ठीक कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी जो दो ड्राइवर लाकर चलाकर दिखाता हूँ, इसके जगह पे दूसरा लगाने के लिए तरीका है ना। और 12 वोल्ट का जो सर्किट था, जिसमें आप बोल रहे थे कि 12 वोल्ट की दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको बता दूं 12 वोल्ट की सर्किट की अगर दिक्कत आ रही है, तो एक डायोड और एक रेजिस्टेंस जो पहले हमने यूज करते थे 12 वोल्ट के लिए, वैसा इसमें कहीं भी खड़ा करके लगाकर आप इस तरह से 12 वोल्ट तैयार कर सकते हैं। में करके इधर, तो अब जो है ये 337 327 है, अब ये 337 327 चलाते थे पहले, तो ये तो इसी 35 आईसी से ये भी ऐसे ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसके मैंने पिन देखता हूँ तो इसके जो बेस है, इस ट्रांजिस्टर के बेस, ये 14 नंबर पे जा रहा है, और इस ट्रांजिस्टर का बेस 11 नंबर में जा रहा है, 9 10 11, तो सेम कंडीशन है, यहाँ कोई अंतर नहीं। अच्छा, ये फैन को चलाने के लिए, फैन का जो कनेक्शन है, इसको चलाने के लिए जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर रहता था बड़ा सा खड़ा सा, वो इसके लिए SMD लगा दिया, और इसको चलाने के लिए छोटा ट्रांजिस्टर रहता था एक और 327 या 337, वो यहाँ पे इसके जगह पे SMD लगा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं है, सेम वर्ड सर्किट है। और जो आउटपुट का निकलता है, ये हेलो, हाँ जी, हाँ बैटरी आ गई, देख रहे हो, देख रहे हो। अच्छा, वो बताओ कि ये स्कूटी के जो बैटरी होती है ना, वैसी छोटी 6 एम्पीयर, वो क्या नीचे ही आपको पास स्कूटी में जो लगती है छोटी सी 12 वोल्ट की किक मारने के लिए, हाँ, वो 12 वोल्ट तो हर जगह पे लगती है।
हमारे यहाँ महंगा पड़ेगा, बाहर से लोगे 900-1200 रुपए मिल जाएगी, 900-1000 रुपए की, हमारे यहाँ 1500 पड़ेगी, कोरियर चार्ज अलग पड़ेगा, इसलिए बाहर से ले लो, जितने भी बाइक वाले हैं उनके पास है ये सब। अरे मेरे को पैकिंग करना, इधर लाना उधर लाना, पैसे लग जाता ना। अच्छा, मुझे साफ साफ बता दिया, अगर आपको नहीं, अगर उधर नहीं लेना है तो फिर बता देना, ठीक है। ये कल पता चलेगा भैया, कल शाम को पता चलेगा। तो अभी आपको पूरा दिखाया हूँ, अब मैं चलाकर दिखाता हूँ सेम कंडीशन पहले जैसा है या नहीं है। अभी आपको ये जो एसी आया, डीसी हुआ, मॉस्फेट पे गया, मॉस्फेट इस पे गया, इधर से पीएफ लगाकर ये 150 वोल्ट में गया, और इसके जो गेट में है ये वाली ड्राइवर है, ड्राइवर को चलाने के लिए 4 ट्रांजिस्टर है। इसके लिए हम ड्राइवर, जो आपने बोल रहे थे कि ये ड्राइवर मेरे पास नहीं है कैसे करूं, इसका जुगाड़ अभी भी तुरंत इसी वीडियो में आएगी करके दिखाऊंगा। और इसको चालू करने के लिए ये 35 आईसी है, और इसको चालू करने के लिए सेम कंडीशन जो इससे आता है, इनमें जरा सा भी अंतर नहीं है, आप एकदम चला कर देखेंगे सेम टू सेम है। और यहाँ पे फैन के लिए भी सेम है, जो 2 ट्रांजिस्टर फैन के लिए लगते थे ये दोनों ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। और मैंने यहाँ पे बताया था कि 12 वोल्ट नहीं बन रहा तो आप 2 रेसिन लगा के कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे सेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फैन चलेगा तो इस पे लोड ज़्यादा होता है, और यहाँ जो 12 वोल्ट बनता था यहाँ पे, ये ठीक उसी तरीके से बने हुए हैं, पर इसको मैच कराने के लिए थोड़ा सा आपको उसमें जुगाड़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको आएंगे तो बता दूंगा। तो अब चला कर दिखाता हूँ कि कैसे करना है। ये देखो चालू पीस है, इसको जोड़ रहा हूँ, बताया कि ये चार्जर चालू है, और चार्जर वास्तव में चालू है, लेकिन आपको ड्राइवर जो फोन कर रहे थे कि ड्राइवर इसके 2 पिन बाहर साइड अलग रहे, यानी मतलब आउटपुट इसके 4 पिन का है और इनपुट 2 पिन का है, तो इसमें ड्राइवर कैसे लगाएं, तो इसको जुगाड़ हम अभी करके दिखा रहे हैं, लेकिन पहले दिखा दूं आपको चार्जर चालू है कि नहीं है। ये देखो चार्जर, मैंने एसी भी दिया और डीसी भी दिया, ये सीरीज बत्ती जल गई है, और मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्पियर आपको दिख जाएगा, ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखो ये एम्पियर 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, ये 17, 18, ये 20 के करीब चला जाएगा, ये देखो पंखा भी चल गया। तो ये चार्जर क्या है, ओके है, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पे ये रह गया कि मुझे ये ड्राइवर के बगैर दूसरा ड्राइवर कैसे लगाऊं। तो देखो अपने पास जो था एक्जूम चार्जर का ड्राइवर, ये ड्राइवर, ये 2 ड्राइवर है एक्जूम चार्जर का है। अब एक्जूम चार्जर का ड्राइवर को इस चार्जर में लगाना है, तो ये आउटपुट है ना, ये आउटपुट और ये आउटपुट, ये 2-2-4 आउटपुट है जो आपको दिखा रहा हूँ। एक मिनट, ये वाली जो ड्राइवर है इस तरह से ये है, ये देखो ये 4 आउटपुट है, और इधर का जो है 2 इनपुट है, ये सिर्फ इसको जोड़ने में ऐसे कर दिए, लेकिन इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करना आपको, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी होता है, आपस में मिक्स हो जाता है। तो ये 2 इनपुट प्राइमरी है और ये 4 आउटपुट है, ऐसे ही आपको भी लगाना है। अब मैं एक चला कर दिखा रहा हूँ, इसकी प्राइमरी जो यहाँ पे 2 पिन के हैं, देखो मैडम यहाँ पे 2 पिन प्राइमरी है, यहाँ के 2 पिन प्राइमरी जोड़ रहा हूँ, ये 2 पिन मैंने बड़ी थी इसलिए काट दिया हूँ, और ये प्राइमरी दोनों जोड़ रहा हूँ, ये देखो प्राइमरी जोड़ रहा हूँ, ये जो है इस तरफ, और एक जो है इस तरफ जोड़ दिया, और सेकेंडरी जो है ये दोनों का प्राइमरी जुड़ गया, ये देखो दोनों का प्राइमरी जुड़ गया है ऐसे, ये दोनों का आउटपुट ये है, ये आउटपुट एक तरफ करेंगे और इधर वाला का आउटपुट एक तरफ करेंगे, देखो काम का है, ये देखो ये वाली जो है, ये वाली इसमें, और ये वाली जो है इसमें,
ये दो प्राइमरी मैंने जोड़ दिया और इसका सेकेंडरी भी जोड़ दिया, सिर्फ इसका प्राइमरी जोड़ना सेकेंडरी जोड़ना बाकी है, इसको जोड़ते हैं। तार थोड़ी छोटी कर रहे हैं क्योंकि बड़ी तार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा इसमें फ्रिक्वेंसी की बात आती है तो इधर उधर कहीं से भी पल्स गया तो मॉस्फेट उड़ जाएगा। लेकिन उसका ट्रांसफार्मर काटना पड़ेगा, तो उसका ट्रांसफार्मर निकालना पहले नहीं, उसका ट्रांसफार्मर निकालना है, एक मिनट पहले इसको लगा दूं, फिर उसका ट्रांसफार्मर निकालना है, जो इसमें ट्रांसफार्मर लगे हैं ना वो निकालना है। निकाल के तो लगाओ ना, एक मिनट बार बार निकालेंगे तो पंप के उधर से ये लगा दिए, लेकिन पीछे हम निकाले नहीं है ड्राइवर को, इसको निकाल देते हैं। ये निकाल दिए और इसका जो है सेकेंडरी इसका खुल गया है तो इसको जोड़ देता हूँ। इसको जोड़ दिया हूँ और ये जो है प्राइमरी दोनों का ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ये जोड़ दिए देखो इस तरह से, दोनों का प्राइमरी एक साथ कर दिए और दोनों का सेकेंडरी अलग अलग है और इस कंडीशन में ये चलना चाहिए है? कंडीशन में चलना चाहिए। इसको मैं इस पे रख देता हूँ ताकि ये नीचे कोई शॉर्टिंग वाली बात ना रहे। अब है जो ये चार्जर या तो ये ड्राइवर से मैच करेंगे तो चल जाएगा और नहीं तो ये तुरंत मॉस्फेट उड़ जाएगा, तो मैं इसे सीरीज में लगाता हूँ और उड़ने की प्रतीक्षा करेंगे। देखो ये लगा दिया और ये लोड ले रहा है तो समझो कि ये चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस पर हम जो है डायरेक्ट कर रहे हैं और वो 15 एम्पीयर ले लिए देखो, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे में आप लगा सकते हैं, देखो इधर
पंगा सुन लो। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी तरह का रिपेयरिंग हो, चार्जर, कंट्रोलर, मोटर, आप रिपेयरिंग करा सकते हैं। अभी आपको दिखाया कि इसके लिए मुझे कई लोग ड्राइवर कर रहे थे, मेरे पास नहीं था और मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैं अभी उनको बोला था कि आप उसको दूसरा जो ड्राइवर दिया हूँ उसे आप उसके जगह पे एडजस्ट करके लगा लो, लगा नहीं पा रहे थे। उनके लिए मैंने वीडियो बना कर दिया कि देखो इस तरह सबको लगाना है, और इन दोनों को टेप लगाकर किसी भी छोटा सा पैक बना के रख दो, अंदर में चलता रहेगा। उसी तरह से 12 वोल्ट भी कर सकते हैं, 12 वोल्ट जो आपके यहाँ पे वाइपर आईसी खराब हो जा रहा है, रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं। अभी सुबह सुबह मुझे बोले कि वाइपर आईसी के बारे में मुझे बता दो कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अलग से भी उसका बना सकते हो, जिसमें से दिक्कत आ रही है तो एडजस्ट करके लगा सकते हैं। अगर इसी तरह से रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं हमारे पास आइए, 100% सीखने की गारंटी है, और जो भी फॉल्ट है वो क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, जैसे मैंने ये करके दिखाया हूँ। अगर समझ में आ जाता है तो आप कीजिए, और नहीं आता है तो ज्वाइन होइए कोर्स करने के लिए। हम कोर्स कराते हैं दिल्ली के करोलबाग मेट्रो के गेट नंबर 1 के सामने ऑफिस है, यहीं से इंस्टीट्यूट चलाते हैं और पूरी रिपेयरिंग करते हैं। ओकिनावा का कंट्रोलर, मोटर, चार्जर सभी आप रिपेयरिंग दे सकते हैं। बैटरी भी रिपेयरिंग, कोई भी बैटरी हो, लिथियम बैटरी हो, जितनी मर्जी बैटरी हो, जैसे हीरो इलेक्ट्रिक की है, जैसे ओकिनावा की है, और भी कई तरह की कंपनी आती है बड़ी बड़ी पैकेज की होती है, जो 100 एम्पीयर वाली, 150 एम्पीयर वाली, ये सब भी रिपेयरिंग के लिए मुझे दे सकते हैं। पूरी तरह से रिपेयरिंग होने के लिए करने के लिए मैं व्यवस्था कर रखा हूँ, और यहाँ पर डेली रिपेयरिंग करते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ कि रिपेयरिंग कर जहाँ लड़का तो आप सीखने के लिए आइए और सीखिए। और इसके बाद जो ओकिनावा का मांग रहे थे, ओकिनावा की कैसे काम करता है, इसके हम अभी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।